चलिए तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बुलियन फंक्शन यूजिंग n बुलियन वेरिएबल, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और अभी आया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर हमें n वेरिएबल्स अगर हमारे पास हों और हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इससे कितने बुलियन फंक्शंस बन सकते हैं, तो वो होता है 2^2 n। अब हमें यहाँ पर बोला है कि हमारे पास कितने बुलियन फंक्शंस हैं, 4 बुलियन फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब हमें बोल दिया है कि 2^2 n इक्वल्स टू 4 है इसका मतलब। अब आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा मिनिमम वैल्यू हो सकती है जो n को सेटिस्फाई करे। तो हमें मिनिमम से स्टार्ट करना है क्योंकि मिनिमम बोला है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर n की जगह पर मैं 1 रख दूँ तो 2^2 = 4 होता ही है, इसका मतलब C इसका आंसर हो गया। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो हर एक इंसान ने किया ही होगा, आई होप सो। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि 99% स्टूडेंट्स ने ये गलत किया होगा, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देखते से ही सब लोगों के दिमाग में होता है कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। देखिए क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत होने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द 2's कॉम्प्लीमेंट, इफ द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर is 0 1 1 0 1 0 base 2, what is its equivalent hexadecimal, equivalent hexadecimal representation। देखिए यहां पर हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में एक नंबर दिया हुआ है ये, और हमें पूछा है कि इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए है 110 base 16, ऑप्शन बी है 1a base 16, ऑप्शन सी है 16 base 16 और ऑप्शन डी है 26 base 16। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बात बोली है आप वो याद रखिए। मैंने आपसे बताया था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर का अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, 1's कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, साइन मैग्नीट्यूड बोलूँ या फिर सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन बोलूँ, सब कुछ एक होता है। मतलब कि पॉजिटिव नंबर का एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट या फिर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफरेंट होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए कि 0 है, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना ही नहीं है। अगर ये यहाँ पर 1 होता तो पहले हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता और फिर उसमें 4-4 की पेयरिंग करके हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर दिया है तो डायरेक्टली आपको इसकी 4-4 की पेयरिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको हेक्साडेसिमल बदलना है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा 0 1 1 0 1 0, यहाँ पर मैंने इसके साथ 4 की पेयरिंग करी। यहाँ पर मुझे 2 बिट की और ज़रूरत है और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मुझे करना पड़ेगा साइन एक्सटेंशन, और साइन एक्सटेंशन के लिए मुझे पता है पॉजिटिव नंबर के लिए 0 0 अपेंड कर देते हैं, और जब इसको 4-4 की पेयरिंग कर ली हमने तो इसको हम डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया a, तो यहाँ पर बेस 16, मतलब b इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर मोस्टली लोगों ने यहाँ पर 26 आई थिंक लगाया होगा, अगर इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में करके अगर आपने 4-4 की पेयरिंग कर दी होगी, जो कि बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। अगर आप लोग ने ये चीज़ याद रखी है तो गलत नहीं होगा, और अगर आपको कोई बोलता है 26 है तो उसको बताइए कि 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव नंबर का एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका 1a जो है वो करेक्ट आंसर होगा।